पता चला हवा महल का नाम हवा महल सो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ हवा महल। आप यहाँ पे आके फोटोग्राफी कर सकते हो, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। दिस इज द टॉप, इससे ऊपर जब ऊपर जा सकते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ लास्ट डे इन जयपुर, डे 4। और हमने आपको बोला था कि पता नहीं हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डे पे व्लॉग करेंगे या नहीं। तो अभी दो चीज़ों का प्लान है हमारा। होटल से हमारा चेकआउट हो चुका है, ठीक एक्सपीरियंस था, इतना अच्छा नहीं था। गेस्ट हाउस था, हमें पता नहीं था वो गेस्ट हाउस है या होटल है क्या है। लेकिन मतलब एक्चुअली ये बजट फ्रेंडली है ना, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा, तो अभी हमारा जो प्लान है वो है हवा महल जाने का। 9 बज गए हैं तो हवा महल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास ना अभी हेलमेट नहीं है, बाइक भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है। तो अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। खुला खुला लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तभी हम लोग जा रहे हैं हवा महल, पूरा अंदर से टूर लेके हवा महल का। और उसके बाद जौहरी बाज़ार और एक और बाज़ार है, बापू बाज़ार है, आसपास ही है। तो वो मार्केट पूरा जो बाज़ार है 10 बजे खुलता है। तो अभी 9 बज रहे हैं, हवा महल चलेंगे, अंदर से पूरा हवा महल देखेंगे और फिर बाज़ार में थोड़ा जाएंगे शॉपिंग करने, अंजलि को चप्पल या ड्रेसेस कुछ लेनी है। तो अभी दो प्लान है। तो हवा महल आप बाहर से भी देख सकते हो, पर और अगर आपको अंदर से आना है तो अंदर से भी आप हवा महल देख सकते हो। 50 रुपीज़ टिकट है। और यहाँ पे ना आपको एक कंपोजिट टिकट करके एक टिकट मिलती है, वो 400 रुपये या 300 या 400 रुपये पर पर्सन है। उसमें आप 8 प्लेसेस विजिट कर सकते हो। सबकी डिटेल्स आपको हवा महल के एंट्री जो टिकट काउंटर है वहाँ पर मिल जाएगी, कौन कौन से प्लेसेस है उसके नाम है। और वो 2 दिन तक वैलिड रहती है। तो अगर यहाँ से आप लेते हो टिकट तो उसमें हवा महल, आमेर फोर्ट, फिर एक म्यूज़ियम है और 4-5 जगह और, टोटल 8 जगह वो आपको 2 दिन में विज़िट करनी मिलेगी। मतलब यहाँ से टिकट ले लो, फिर कहीं और टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। तो हमने अभी डिस्कवर किया वहाँ भी है कैफे कॉफी डे। देखिए राजा भी लाइक ब्रिंग मी सम कैफे लाटे दासो। हवा महल के अंदर टोटल 953 स्मॉल विंडोज है, जिसे इस महल के अंदर भी हवा का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा रहता है। और ये जयपुर की गर्म वेदर में बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा इन विंडोज़ का यूज़ उस ज़माने की रॉयल वुमेन करती थी, ताकि वो स्पेशल प्रोग्राम या फिर सिटी की डेली लाइफ देख सके थ्रू दिस विंडोज़। बाहर से अगर आप विंडोज़ की डिज़ाइन देखेंगे तो एक हनीकॉम स्ट्रक्चर में बनाई गई है, सो दैट रॉयल वुमेन बाहर का देख सकती है बट बाहर से कोई पब्लिक अंदर नहीं देख सकता। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर हवा महल, ऊपर से माइक के बिना। माइक पुलिस वालों ने हटवा दिया है, तो आवाज अगर थोड़ी सी कम आए, किसी को रीजन पता है माइक हटवाने का, प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। पता नहीं, आधे हवा महल में हमने माइक से शूटिंग किया, आधे हवा महल में विदाउट माइक। आपके शायद हवा की आवाज आएगी इसीलिए बोल रहे होंगे। नहीं, हम यहाँ से हवा चोरी करके लेके जा रहे हैं। हवा महल में टोटल 5 फ्लोर्स है, बट यहाँ पे कोई भी स्टेयर्स नहीं है। सो अगर आपको टॉप फ्लोर पे पहुँचना है तो आप यहाँ पे बने रैंप्स का इस्तेमाल करके पहुँच सकते हैं। इससे भी ऊपर एक और फ्लोर ऊपर है, और वहाँ से आई गेस हमें बाहर का जो व्यू है वो मिलेगा डायरेक्ट ऊपर। डायरेक्ट नीचे जाना है, बाहर में तो नीचे आजू को नीचे बैठेंगे डायरेक्ट। हवा खाते हुए पेटीएम ने क्या दीजिए।
दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ हवा महल, आप यहाँ पे आके फोटोग्राफी कर सकते हो, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, दिस इज़ द टॉप, इससे ऊपर से ऊपर जा सकते हैं, इससे ऊपर सिर्फ आप हवा देख सकते हो। हवा महल के अंदर एक टेंपल है जिसका नाम है हवा मंदिर, और इसी टेंपल के नाम से इस पैलेस का भी नाम रखा गया था हवा महल। तो चला हवा महल का नाम हवा महल, इतनी अच्छी हवा, वैसे भी सीढ़ियों में जगह इतनी है, हवा ही निकल सकती है, एक ही बंदा कर सकता है, लेकिन ये ऐसी जगह दुश्मनों के लिए, ताकि एक ही दुश्मन एक टाइम हवा ले सके आगे। इसके अलावा हवा महल के अंदर ही एक स्कल्पचर गैलरी है जहाँ पे 12th सेंचुरी से लेके अब तक राजस्थान के सारे जिलों से और आसपास से जितने भी स्कल्पचर्स मिले हैं वो डिस्प्ले पे रखे गए हैं। हवा महल के अंदर जाने के लिए कोई फ्रंट में गेट नहीं है। हवा महल एक सिटी पैलेस का ही पार्ट है, इसीलिए हवा महल के अंदर जाने के लिए सिटी पैलेस के साइड से ही एंट्री करनी पड़ती है। सो फाइनली हम लोग क्या आया, हवा महल से बाहर निकल गए, चार जगहों पर तो एग्जिट गेट ऐसा लिखा था, टेक राइट फॉर एग्जिट, लेफ्ट फॉर एग्जिट, भूल भूले वाला पूरा है। बाहर से इतनी बार देखा इसलिए बाहर से नहीं दिखाया, अंदर से दिखाया। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैंने वॉइस ओवर में डाला है इसकी हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे हमने गाइड नहीं लिया था। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, दैट्स इट फॉर जयपुर सीरीज़। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद है, वीडियोज़ आपको पसंद आए, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए और सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें जो लोग जयपुर आने वाले हैं, डेफिनेटली उनको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्लॉग से मिलेगी, हमारे वीडियोज़ से मिलेगी, कहाँ घूमना है। आइटनरी का वीडियो भी मैंने बना रखा है तो आपको पता चल जाएगा, दो दिन तीन दिन के लिए आए हो तो कहाँ कहाँ घूम सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, अगर वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आए हिट द लाइक बटन, नए और सब्सक्राइब करें, ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट सीरीज़, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग जो भी लाइव हो उसकी सबसे पहले आपको अपडेट मिले। यू सी द नेक्स्ट वीडियो, बाय, चाओ। बाय बाय।